कहानी की शुरुआत में बिल नाम के एक जेल वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने अकाउंटेंट वटलर के साथ ह्यूमन सेंटीपेड 2 के एंडिंग सीन को देखता है। लेकिन बिल को इस मूवी के कॉन्सेप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो बटलर को डांटने लगता है। वहां पर बिल की सेक्रेटरी डेसी भी होती है जो कहती है कि बिल को अपने से ज्यादा पागलपन वाली चीजें पसंद नहीं आती। इस बात से बिल को इंसल्टिंग फील होती है, इसीलिए वो डेसी को सेक्सुअली अब्यूज करता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है। दरअसल यहाँ की जेल में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और बटलर इसको फिक्स करने के लिए एक आइडिया बताने जाता है। लेकिन उसी समय बिल के पास एक कॉल आता है और वो बटलर के साथ जेल को विजिट करने जाता है। वहाँ बटलर उसे बताता है कि हमारे जेल का वायलेंस रेट और मेडिकल कॉस्ट यूएस के सभी जेलों से ज्यादा है। अगर हमने इसे जल्दी से ठीक नहीं किया तो गवर्नर ह्यूज हम दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। इस पर बिल कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जेल के सभी कैदी बिल से नफरत करते हैं और उसे मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके बाद वो एक कैदी से मिलता है जो बिल का डेथ रेप करने की धमकी देता है। ये सुनकर बिल का ईगो हर्ट हो जाता है और बटलर से उसकी डिटेल नोट करने के लिए बोलता है, क्योंकि बिल उसे बाद में बहुत ही बुरी तरीके से सबक सिखाने वाला है। तभी उसकी नजर एक गार्ड पर जाती है जिसे एक कैदी ने जख्मी कर दिया है। अब बिल उस कैदी के पास जाता है जिसने इसके गार्ड को जख्मी किया है। बिल उस कैदी को पनिशमेंट देने के लिए उसके राइट हैंड को तोड़ देता है, इससे उस कैदी को भयानक दर्द होने लगता है और वो भी उसे मारने की धमकी देने लगता है। जब बिल यहाँ से जाने लगता है तो सभी कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और डेथ रेप की धमकी देते हैं। जब बिल देखता है कि कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तब वो बहुत दुखी हो जाता है और हवा में गन फायर करने लगता है। इसके बाद बिल अपने ऑफिस में आ जाता है, तभी डेसी के पास एक पार्सल आता है जो कि बिल के लिए आया होता है। वहीं दूसरी तरफ बटलर जेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना प्लान बताना चाहता है, लेकिन बिल अपने अलावा किसी की भी बात को नहीं सुनता। वो सभी कैदियों को मेडिवल मेथड से टॉर्चर करना चाहता है, यानी कि जिस कैदी ने जो क्राइम किया है वो उसको उसी तरीके से टॉर्चर करने वाला है। तभी डेसी उसका पार्सल उसे लाकर देती है जिसके अंदर एक जार में ड्राई क्लिटराइजेस होता है। बिल ने इसे स्पेशली अफ्रीका से मंगवाया है जिसको खाने से उसे ताकत मिलती है। उसी समय बिल को एक आदमी का कॉल आता है जो उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसे सुनकर बिल की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी गन को लोड करने लगता है। बिल की इस कंडीशन को देख बटलर उस नंबर पर वापस कॉल करता है। फिर उसे पता चलता है कि बिल को ये कॉल एक कैदी ने की थी। ये जानकर बिल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ पर डेसी आती है और बिल को बताती है कि डॉक्टर जोनस ने उसका फिजिकल टेस्ट करने के लिए बुलाया है। अब बिल मेडिकल वार्ड में पहुँचता है और जोनस उसकी हेल्थ को चेक करता है। जब जोनस बताता है कि उसकी हेल्थ सही नहीं है तब बिल उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो अपने बारे में कोई भी निगेटिव चीज नहीं सुनना चाहता। इसीलिए जोनस को कहना पड़ता है कि उसकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम उस कैदी को बंधा हुआ देखते हैं जिसने बिल के पास कॉल करके मारने की धमकी दी थी। कुछ देर में बिल भी वहां जाता है क्योंकि वो उसकी इस गलती के लिए एक दर्दनाक पनिशमेंट यानी कि सजा देने वाला है। तभी उसके दो गार्ड वहां पर ठंडी पानी वाली दो बाल्टी लाते हैं। इसे देख बिल उन पर गुस्सा होने लगता है और उनसे खोलता हुआ पानी लाने को बोलता है। उसी समय डेसी वहां आती और बताती कि गवर्नर ह्यूज 20 मिनट में यहां पहुंचने वाला है। यह सुनकर बिल काफी परेशान हो जाता है। कुछ देर में गार्ड भी खोलता हुआ पानी लेकर वहां आ जाती हैं। इसके बाद विल कैदी के चेहरे पर एक कपड़ा डाल देता है और उसके ऊपर से 3 बाल्टी गर्म पानी गिराने लगता है, जिससे वो कैदी दर्दनाक तरीके से तड़पने लगता है। बिल जब कैदी के चेहरे से कपड़े को हटाता है तो उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलस गया था, लेकिन बिल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब गवर्नर ह्यूज भी बिल से मिलने यहाँ पहुँच जाता है। डेसी अपने जाल में उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन गवर्नर उसकी बातों में नहीं आता और बिल के ऑफिस में पहुँच जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बिल इस बात से थोड़ा भी खुश नहीं है। गवर्नर को यहाँ की पूरी कंडीशन पता है। वो बिल को समझाता है कि वायलेंस को वायलेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। वो बिल को इस जेल की कंडीशन ठीक करने के लिए 2 हफ्ते का टाइम देता है। इसमें कामयाब नहीं होने पर वो उसे और अकाउंटेंट को निकालने की धमकी भी देता है। गवर्नर के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि बिल बहुत गुस्से में होता है। बटलर एक बार फिर से उसे अपना प्लान बताने की कोशिश करता है, लेकिन बिल अभी भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद वो सभी कैदियों को ग्राउंड में बुलाता है। पहले तो सभी जोश में आकर उसका विरोध करने लगते हैं और गाली देने लगते हैं। तभी बिल अनाउंस करता है कि वो एक एक करके सभी कैदियों के टेस्टिस को निकालने वाला है। ये सुनते ही सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये चीज बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। बिल अपने इस टॉर्चर मेथड के लिए सबसे पहले उस कैदी को सिलेक्ट करता है
जिसने सेल में यानी कि जेल में बिल को डेथ रेप करने की धमकी दी थी। ये सुनते ही उस कैदी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब गार्ड उसे पकड़कर स्पेशल सेल में ले जाते हैं, जहां पर पहले तो कैदी को ये मजाक लगता है, लेकिन बिल जब उसके दोनों टेस्टिस को बाहर निकाल देता है तो उसके होश गायब हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिल बटलर से उन दोनों टेस्टिस का लंच बनवाने को बोलता है और उस कैदी को स्टिच लगवाने के लिए मेडिकल वार्ड में भेज देता है। इसके बाद बिल अपने ऑफिस में पहुंचता है और डेसी के साथ प्लेजर लेने लगता है। ये देख बटलर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो डेसी से प्यार करता है। कुछ देर बाद उसका स्पेशल लंच भी आ जाता है जिसको बिल ने बनवाने का ऑर्डर दिया था। बिल बहुत ही मजे के साथ उसे खाने लगता है। इसे देख बेचारा बटलर वॉमिट करने लगता है। तभी बिल की नजर टेबल पर रखी हुई ह्यूमन सेंटीपेड मूवी पर पड़ती है, जिसे बटलर ने ही वहां रखा था। बटलर एक बार फिर से अपना आइडिया शेयर करने की कोशिश करता है। उसी समय मेडिकल वार्ड से कॉल आता है कि कैदी अब होश में आ गया है। इसके बाद वो बटलर के साथ मेडिकल वार्ड में जाता है, जहां पर उन सभी कैदियों का इलाज चल रहा होता है जिनको बिल ने टॉर्चर करके जख्मी कर दिया था। वो सभी बिल पर बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद बिल उस कैदी का हाथ दोबारा तोड़ देता है, इसका हाथ उसने पहले भी तोड़ा था। अब बिल उस कैदी के पास जाता है, इसके दोनों टेस्टिस को उसने अभी कुछ देर पहले निकाला था। वो कैदी अभी भी बिल से नहीं डरता। वो धमकी देता है कि यहाँ से बाहर निकलते ही वो उसे और उसकी फैमिली को डेथ रेप करके मार डालेगा। ये सुनते ही बिल गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाकर अधमरा कर देता है। इसके बाद जोनस किसी तरह से उसकी जान बचा लेता है। उस कैदी के होश में आते ही बिल फिर से उसका गला दबाने लगता है, लेकिन आखिरकार उसे हार माननी पड़ती है। वहाँ बटलर जोनस को ह्यूमन सेंटीपेड मूवी देखने को बोलता है। इस पर जोनस बताता है कि उसने ये मूवी बहुत पहले ही देख रखी है। अब बिल और बटलर दोनों ऑफिस में आ जाती हैं। बिल बटलर से कहता है कि कल मैं सभी कैदियों को शूट कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें और खुद को भी शूट कर लूंगा, क्योंकि टेस्टिस निकालने वाला मेरा आइडिया फेल हो चुका है, इसीलिए गवर्नर हम दोनों को बाहर निकाल देगा। ये सुनते ही बटलर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ है जिसके साथ तुम्हें कुछ भी करने का कोई हक नहीं है। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बटलर उसे सभी कैदियों का एक सेंटीपेड बनाने के लिए बोलता है, इसमें एक कैदी के मुंह को आगे वाले कैदी के अनु से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जेल में कोई भी लड़ाई नहीं होगी और कोई भी उसकी इंसल्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी कैदी अपने घुटनों पर होंगे और उससे दया की भीख मांगेंगे। लेकिन बिल्कुल लगता है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। इस पर बटलर बताता है कि मैंने इसके लिए टॉम के साथ अपॉइंटमेंट बुक की है, जो कि ह्यूमन सेंटीपेड मूवी का क्रिकेटर है, और उसका मानना है कि ये चीज मेडिकली 100% एक्यूरेट है। लेकिन बिल अभी भी उसकी बात नहीं सुनता और उसे बाहर भेज देता है। अगली सीन में बिल को हम कैंटीन में देखते हैं, जहां पर वो ड्रिंक कर रहा होता है। उस समय वो अकेला होता है। तभी वहां पर बहुत सारे कैदी आ जाते हैं जिनको बिल ने टॉर्चर किया था। उनको देख बिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस समय वहां पर कोई गार्ड नहीं होता, इसीलिए बिल की हालत खराब होने लगती है और वो उनको वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो सब उसे पकड़ लेते हैं। अब बिल अपनी जान बचाने के लिए उनसे काफी रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल ने जिस कैदी के दोनों टेस्टिस को निकाला था, वो उसके पास आता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारा डेथ रेप करने वाला हूँ। इसके बाद उसकी किडनी के पास एक होल कर देता है और उसका रेप करने लगता है, जिससे बिल की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था। इसके बाद उसे राहत की सांस मिलती है। अगले दिन टॉम यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद बिल उसे अंदर बुलाता है, लेकिन वो बटलर को अंदर नहीं आने देता। तब बटलर कहता है कि तुम मेरी बात को एक बार में सुन लो, अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद बिल उसकी बात मान जाता है और टॉम भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बटलर बिल को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। कुछ देर में जोनस भी वहाँ आ जाता है। टॉम बिल को समझाता है कि ह्यूमन सेंटीपेड मेडिकली 100% एक्यूरेट है। हमने एक हॉस्पिटल में इसका टेस्ट भी किया था, जो पूरी तरह से कामयाब भी रहा। इसके बाद टॉम इस पर अपनी रिपोर्ट और ड्राइंग दिखाता है। इसे देखने के बाद जोनस को भी यकीन हो जाता है कि ह्यूमन सेंटीपेड बनाना पॉसिबल है। ये जानकर बिल अब ऐसा करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ये चीज सभी टॉर्चर मेथड से अलग होती है। अब बटलर इसमें कुछ चेंज करता है, जैसे कि सर्जरी करने के बजाय वो कैदी के मुंह में बाइट रिंग डालेंगे, इससे उनका मुंह हमेशा खुला रहेगा। इसके बाद घुटनों की नस काटने की जगह उनको टेम्पररी रूप से पैरालाइज कर देंगे, इससे वो लोग भाग नहीं पाएंगे, और उनके मुंह को अनुस्टिच करके लेदर स्ट्रिप लगा देंगे, ताकि बाद में बहुत आसानी से उनको फ्री किया जा सके। सभी को उसका ये ब्रिलियंट आइडिया काफी पसंद आता है। अब बिल भी काफी खुश हो जाता है और जोनस को इस पूरे एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज बना देता है। बिल के दिमाग में भी एक आइडिया आता है। वो सभी कैदियों को ह्यूमन सेंटीपेड 2 मूवी का सीन दिखाता है। इसे देख कैदियों को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये चीज बहुत ही गलत और घिनौनी थी।
वीडियो क्लिप खत्म होने के बाद बिल बटलर के साथ वहां आता है और बताने लगता है कि वो सभी के साथ ऐसा ही करने वाला है। इसके दौरान उनको अपने आगे वाली साथी का डायरिया अपने अंदर लेना होगा। ये सुनते ही सभी कैदी उस पर भड़क जाते हैं और उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। इसके बाद बिल और बटलर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। अब कैदी भी गार्ड का सामना करते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच डेसी भी बिल के साथ छुपने जाती है, लेकिन वो उसे धक्का देकर बाहर कर देता है। इसके बाद कैदी उसको पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। अब बटलर जल्दी से यहाँ पर स्पेशल फोर्स बुलाता है। इस दौरान कैदी डेसी को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। अब कैदी बिल के ऑफिस के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, जिसे देख बिल खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है। तभी वहां पर स्पेशल फोर्स आ जाती है और सभी कैदियों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। इसे देख बटलर की जान में जान आती है। इधर बिल एक पेड़ के पास छुपा होता है। फिर बटलर वहां आता है और बताता है कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है। अब दोनों जेल के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर सभी कैदी बिल्कुल शांत हो चुके थे। इसके बाद बिल एक राइफल मंगाता है, जिसमें बेहोशी का इंजेक्शन लगा होता है। ये देख सभी कैदी डरने लगते हैं, क्योंकि उनको पता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। अब बिल एक एक करके सभी कैदियों को बेहोश करने लगता है। इसे देख बटलर काफी खुश होता है, क्योंकि यह सारा आइडिया उसी का है। सभी को बेहोश करने के बाद बिल उन सभी को वहां से बाहर भेजता है। इस समय बिल भी ये देख काफी खुश हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिकल टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। जोनस बताता है कि हम यहाँ पर तीन तीन कैदियों का सेंटीपेड बनाएंगे, जिसके बाद इनको यहाँ से बाहर भेजा जाएगा और फिर इनको एक साथ कनेक्ट करके एक सेंटीपेड चेन बनाई जाएगी। अब कैदी बिल से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन बिल अब रुकने वाला नहीं था। जोनस बिल को एक कैदी दिखाता है, जिसे स्टोमा होने की वजह से दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इस बात से वो कैदी काफी खुश होता है। इससे बिल को लगता है कि ये फेक भी हो सकता है, लेकिन ये चीज रियल थी। इसके बाद बिल जोनस से उसे मार देने को बोलता है, लेकिन जोनस ऐसा करने से इनकार कर देता है। फिर बिल अपनी गन निकालता है और उसके अंदर डालकर शूट कर देता है, जिससे वो कैदी मर जाता है। इसके बाद बिल बटलर को अपनी गन साफ करने के लिए देता है। उसी समय जोनस एक और कैदी ले आता है और उसे भी इन्फेक्शन होता है। इसे देख बिल उसे भी शूट कर डालता है, लेकिन जोनस को ये चीज बहुत बुरी लग रही थी। अब विल और बटलर डेसी को देखने जाते हैं, जो इस समय कोमा में होती है। बटलर कहता है कि हमें दूसरे हॉस्पिटल में इसका इलाज कराना चाहिए, लेकिन विल वो एक साइको था। वो डेसी की इस कंडीशन में भी उसका रेप करने जाता है। बटलर उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन बिल नहीं मानता। अगले सीन में बिल और बटलर अपने ऑफिस में होते हैं, जहां से बटलर ग्राउंड में लगे टेंट को देख रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि मेडिकल टीम सेंटीपेड चेन बनाने में जुटी हुई है। बिल इस चीज को गवर्नर के आने से पहले कंप्लीट करना चाहता है। फिर बटलर बताता है कि अब केवल 16 कैदी बच गए हैं और कुछ ही समय में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आज बिल काफी एक्साइटेड था। उसे लगता है कि गवर्नर उसके इस काम को देखकर काफी खुश होगा, इसीलिए वो बटलर के साथ रिहर्सल भी करता है कि किस तरह से गवर्नर उसको अप्रिशिएट करेगा। यहाँ हम देखते हैं कि बिल को अपने इस एक्सपेरिमेंट पर पूरा भरोसा है। वो खुद को एक हीरो समझने लगा है। उसे लगता है कि ऐसा करके वो क्राइम को खत्म कर देगा। कुछ देर में टॉम भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन सेंटीपेड को रियल में देखना चाहता था। इसके बाद ये लोग मेडिकल वार्ड में जाते हैं, जहाँ पर मेडिकल टीम सेंटीपेड चेन को बनाने में लगी हुई थी, और यहाँ पर जो चीज हो रही होती है सच में बहुत बुरी थी। इसके बाद बिल टॉम को अपने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट को दिखाने ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेसी को भी सेंटीपेड चेन में कनेक्ट किया जा रहा है। अब बिल टॉम और बटलर को एक सेल में ले जाता है, यहाँ पर कुछ कैदी के हाथों को काटा जा रहा था। ये देख बटलर और टॉम दोनों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि बिल उनके साथ क्या करने वाला है। इसके कुछ देर बाद मेडिकल टीम सेंटीपेड चेन को तैयार कर लेती है, और अब गवर्नर भी इस जेल की कंडीशन चेक करने आ जाता है। जब वो बिल और बटलर के चेहरे पर खुशी देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसने दोनों को जॉब से फायर कर दिया था। इस पर बिल उसे बताता है कि मैंने एक ऐसा आइडिया खोजा है, इससे क्राइम रेट बिल्कुल कम हो जाएगा और कैदी अपनी जान की भीख मांगेंगे। ये सुनकर गवर्नर को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद बिल उसे ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ का नजारा देख गवर्नर की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि सभी कैदी एक दूसरे से अटैच हो गए थे। फिर बिल उसे समझाता है कि ये दुनिया का पहला प्रिजनर ह्यूमन सेंटीपेड है, लेकिन गवर्नर अभी भी नहीं समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर बटलर उसे समझाता है और बताता है कि इस तरीके से हम बहुत सारे खर्चों को कम कर सकते हैं। जब इनको एक सर्कल में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तब इनका डायरिया एक दूसरे के अंदर जाता रहेगा, जिस वजह से इनको केवल मिनरल्स और विटामिन्स की इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ेगी, और इस तरह इनको खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सब नजारा देखकर गवर्नर काफी हैरान होता है, क्योंकि ये चीज इंसानियत के लिए एक नर्क की जैसी थी। तभी इनकी नजर डेसी पर पड़ती है, जिसे मेडिकल टीम ने इस चेन में कनेक्ट कर दिया है,
लेकिन बिल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि बटलर डेसी को इस कंडीशन में देख काफी दुखी होता है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बटलर गवर्नर को समझाता है कि इस आइडिया से हम स्टाफ, फूड जैसे बहुत सारे खर्चों को खत्म कर सकते हैं और उनका हम दूसरी जगह पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद बिल गवर्नर को ह्यूमन कैटरपिलर दिखाता है, जो सेंटीपेड वाली चैन से भी भयानक होती है, क्योंकि इन कैदियों का हाथ काट दिया गया था। इसे देख गवर्नर का सर चकरा जाता है और लास्ट में बिल गवर्नर को एक कैदी से मिलाता है जिसने अपनी सजा को काट लिया है और अब सेंटीपेड की चेन से उसे बाहर कर दिया गया है, जिसके लिप्स यानी कि होठ और अनुस पर केवल स्कार्स हैं और वो कैदी बिल्कुल ठीक है। अब बिल कैदी को वहाँ से आजाद कर देता है। ये देख गवर्नर की हालत खराब हो चुकी थी, उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और कहता है कि इसके लिए तुम दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहने के बाद गुस्से में गवर्नर वहाँ से चला जाता है। अब विल टेंशन में आ जाता है कि उसका आइडिया फेल हो चुका है और वो सुसाइड करने जाता है, लेकिन उसे ये आइडिया बटलर ने दिया था, इसीलिए वो सबसे पहले उसे शूट करने जाता है। उसी समय पर जोनस वहाँ आ जाता है, जो अपने इस एक्सपेरिमेंट से काफी खुश था, लेकिन बिल के लिए ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, इसीलिए वो उसे शूट कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर बिल के इस आइडिया के बारे में सोच रहा था। अब बिल बटलर को भी मारने वाला होता है। उसी समय गवर्नर वहां आता है और बिल से कहता है कि उसका ये आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट है, जिसकी इस अमेरिका को काफी जरूरत है। इतना कहने के बाद वो वापस चला जाता है। अब बटलर काफी खुश होता है, उसे लगता है कि मैंने ही ये आइडिया दिया था, जिस वजह से बिल काफी खुश होगा। लेकिन बिल को उससे जलन होने लगती है, इसीलिए वो उसे भी शूट करके मार देता है। इसके बाद वो ग्राउंड वाले टावर पर जाता है और खुशी से चिल्लाने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।